तेल छोड़ दो, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइकिलिंग में। आज हमारे पास एक काफी स्पेशल एक क्रॉस कंट्री MTB है, जो कि स्कॉट की तरफ से है। स्कॉट की 2021 की लेटेस्ट सीरीज में वाली बाइक आती है, जिसका नाम है स्कॉट स्केल 980। तो आज इसका आपको डिटेल्ड रिव्यू देंगे। काफी सुंदर लोकेशन पर भी आ रखे हैं, एंड रूबल भैया की ये बाइक है हमारे यहाँ से जो है, एंड उन्होंने ये बाइक अपनी रेसेस वगैरह के लिए ली है। एंड पर्सनली मेरे को बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू इसकी फीचर्स एंड प्राइस है। तो वीडियो पूरी देखना, आखिर में इसका प्राइस एंड इसकी जो भी वेट वगैरह वो हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं, आपको रिव्यू देंगे इसका डिटेल कि भाई बाइक कैसी है। तो आओ वीडियो शुरू करें। तो फ्रेंड यार, अगर हम इसके फ्रेम की तरफ से शुरू करें तो भाई ये स्कॉट का स्केल फ्रेम है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिजिड है एंड रेसिस के लिए कंपनी ने बनाया हुआ है मेनली। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी स्कॉट की ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पे ब्लैक कलर से, एंड ऊपर का जितना भी इंटरफेस है वो सारा का सारा ब्लैक है। जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नियॉन कलर से स्केल लिखा, जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड पर्सनली साइकिल का जो कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही कंपनी ने बना रखा है। तो पर्सनली मेरे को जो फ्रेम है बाइक का वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज जो वेट मैनेजमेंट कंपनी ने कर रखी है बाइक के ऊपर एंड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो रखी है। अगर हम इसकी ड्राइव ट्रेन की तरफ आएँ तो भाई लोगों यार, ये 1/12 ड्राइव ट्रेन है शिमानो की, डियोर सीरीज़ की, विद क्लच एंगेजमेंट के साथ ये ड्राइव ट्रेन आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चेन का लैग वगैरह को रोकती है। अगर हम डाउनहिल वगैरह करें तो चेन ज़्यादा हिलती नहीं है इसकी वजह से। अगर आप क्रैंक की तरफ आओ तो ये 32 टीथ का इसमें क्रैंक लगा है, जो कि शिमानो की डियोर सीरीज़ का है। एंड ये एक हॉलोटेक क्रैंक है, जैसे कि आप देख सकते हो, उसके आप आर पार देख सकते हो, इधर उधर देख सकते हो। तो जो ड्राइव ट्रेन है उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज ये 1/12 न्यू वाली ड्राइव ट्रेन है, जो कि मतलब बेस्ट मानी जा रही है इस टाइम में बजट एंड ऑल दैट के हिसाब से, शिफ्टिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से। एक बार मैं फर्स्टली जो मेरे को फेवरेट चीज़ है वो मैं ऐसे दिखाता हूँ बाइक की, जो हब का इसका नोड है या हब की आप साउंड बोल सकते हो, वो बहुत ज़्यादा सही है। अगर आप आगे की तरफ आएँ तो इसका जो हैंडल बार है वो सिनक्रॉस का हैंडल बार दे रखा है, जो कि अराउंड 740 mm का वाइड हैंडल बार है, एंड जो पेयर किया गया है कंपनी ने MT200 की ब्रेक्स के साथ। एंड यहाँ पे हैंडल बार पे एक रिमोट लॉकआउट है, जो कि आपके सस्पेंशन के लिए वर्क करता है। एंड हाँ, सिनक्रॉस के इसमें ग्रिप्स दे रखे हैं, जो कम्फर्टेबल है काफ़ी ज़्यादा। इफ़ यू वॉन्ट आप इसको बाद में चेंज कर सकते हो। अगर आप स्टेम की तरफ आओ तो ये सिनक्रॉस की ही स्टेम दे रखी है कंपनी ने, जो काफ़ी ज़्यादा मतलब छोटी भी है एंड ऑफ रोडिंग के लिए भी एंड डाउनहिल के लिए भी अच्छी है। तो अगर आप आगे की तरफ आएँ तो इसका जो टायर्स हैं वो मैक्सिस के कंपनी ने दिए हैं, जो कि पेयर किए हुए हैं X20 के रिम्स के साथ, और ये सिनक्रॉस के रिम्स हैं। एंड अगर इसके जो रिम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हैं, वो अलॉय के रिम्स हैं। अगर फ्रंट में अगर आप आओ तो यहाँ पर XCR 32 सस्पेंशन दे रखी है, SR Centaur की XCR 32, जो कि अब ब्लैक स्टेंशन के साथ आ रही है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई है। तो मतलब अगर आप ये बाइक ले रहे हो तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड ऑफ रोडिंग के मामले में। आगे जो है वो ये पेयर हुई है क्विक रिलीज के साथ है, थ्रू एक्सल नहीं आता है बाइक में। एंड जो डिस्क रोटर है वो फ्रंट में 180 mm का है, जो कि ब्रेकिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। और अगर आप पीछे की तरफ आएँ तो इसमें 160 mm का रोटर लगा है, जो कि क्विक रिलीज़ के साथ ही कंपनी ने पेयर किया हुआ है। एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसके अंदर जो शिफ्टर आता है वो आता है शिमानो की डियोर सीरीज़ का शिफ्टर आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। एंड जो इसकी शिफ्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्वेट है। और अगर आप इसके वाटर बॉटल होल्डर्स के ऊपर आएँ तो कंपनी ने दो वाटर बॉटल होल्डर्स दे रखे हैं, एक यहाँ पे, जिसके साथ आप अपना पंप भी माउंट कर सकते हो। पेडल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड फिटेड प्लास्टिक के हैं, अगर आप चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो इन क्लीट्स और इन मेटल पेडल एज यू विश। और अगर आप इसकी सेडल की तरफ आओ एंड इसका सीट पोस्ट पे सिनक्रॉस की अलॉय है, एंड जो सीट है वो इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें काफ़ी ज़्यादा पोज हैं, जो कि आपकी कंफर्ट को बढ़ा देंगे। और जो सीट है ये सिनक्रॉस की बारसा सीट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड
जो पूरी की पूरी साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, जैसे कि आप देख सकते हो इसको मैं काफ़ी इजीली उठा भी पा रहा हूँ।